झारखंड जो है और झारखंड और आपका जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, आपको ध्यान होगा झीरम घाटी में नक्सली हमला जो हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड है प्रशांत बोस, उसको और उसकी बीवी को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। इन टिड्डों के लिए बीवी से भी उपयोग कीजिए, ये लोग उसी लायक हैं। तो ये कुख्यात नक्सली है। कल तुम्बड़े आपको बताया गढ़चिरौली में एक तुम्बड़े भाई पीएम को मारने के लिए भीमा कोरे गांव में साजिश रच रहा था और एक भाई सशस्त्र क्रांति कर रहा था गढ़चिरौली में, मारा गया मिलिंद तुम्बड़े और आनंद तुम्बड़े। और ये एक और जो प्रशांत बोस है ये भी उस साजिश में शामिल था, पीएम को मारने की साजिश में। ये अपनी बीवी के सहित पकड़ा गया है, ये बूढ़ा है, लेकिन नक्सली मार्क्सवादी माओवादी कितने क्रिमिनल्स होते हैं आप समझिए, बुढ़ापे में भी हथियार चला रहा था झीरम घाटी जैसी घटना में, मारने में जवानों की इसकी भूमिका थी। तो ये जो है प्रशांत बोस उर्फ किशन दादा, उसकी पत्नी शीला मरांडी सहित 6 माओवादियों को झारखंड पुलिस ने जेल भेजा है। लेकिन झारखंड में और छत्तीसगढ़ में दोनों में कांग्रेस की सरकार है जो अपने नेताओं को भी मरवाने पे नहीं चूकती। कांग्रेस की सरकार नक्सली समर्थक है, हरे टिड्डों का समर्थक है, सफेद चर्च का समर्थक है। और ये जो नक्सल मूवमेंट हो रहा है ये भी बड़े पैमाने पे चर्च फंडेड है। ये ग्राउंड पर आप जाएंगे, इस सबके जड़ में एक कानून भारत को चाहिए, धर्मांतरण विरोधी कानून। ये सबकी नानी मर जाएगी। हर जड़ में हिंदू को कन्वर्ट करने की साजिश है, जाकिर नायक हो, PFI हो, चर्च हो, हिंदुओं को कन्वर्ट करने। और इस पर सबसे बड़ा क्रैकडाउन योगी सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश में। तो झारखंड पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है ये प्रशांत बोस को, करोड़ों का परिमाण इनाम था। और उसमें ये पता चला है कि भीमा कोड़े गांव में पीएम की हत्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हत्या, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के तर्ज पे करने वाले जो पूरी योजना बनी थी, जिसमें तुम्बड़े बदर से बरवरा राव का नाम आया, जो सारे थे ये लोग स्टेफन स्वामी और ये सब, उस सब में ये भी साजिश रचने वालों में शामिल था। NIA की चार्जशीट में माओवादी प्रशांत बोस का नाम था और बोस ने खुद स्वीकार किया झारखंड पुलिस के सामने कि पीएम मोदी की हत्या की साजिश को जो है छत्तीसगढ़ उसी ने रची थी और छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी में जो हमला हुआ था वो उसी के दिमाग की उपज थी। उस गधे का अगर आप फोटो देखना चाहते हैं तो बूढ़ा आदमी अपनी विचारधारा के लिए कितना कट्टर है, तब आप कहेंगे कि ये लोग तब लड़ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ हम आपस में ही सर फुटावल चलता रहता है। और दूसरा है कि हमारे तो यूथ भी लड़ने को तैयार नहीं है। आप ध्यान दीजिए, ये बुड्ढा और उसकी बीवी, आप ध्यान, ये आपको फोटो भी दिखेगा। ANI का CPI माओइस्ट लीडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा वाज अरेस्टेड बाय झारखंड पुलिस ऑन नवंबर 12। ए रिवार्ड ऑफ 1 करोड़ वाज अनाउंस्ड ऑन हिम। हिज वाइफ शीला मरांडी हु इज आल्सो ए मेंबर ऑफ CPI माओइस्ट, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट जो चैनल पर बैठ के बकैती करते हैं, ये जितने हैं कम्युनिस्ट वो आतंकी हैं, दुनिया आतंकी है, इस बात को ना याद रखिएगा। 10 करोड़ दुनिया में मारे हैं लोगों को। वाज आल्सो अरेस्ट 4 अदर एक्टिव मेंबर आल्सो अरेस्ट। ये बुड्ढे को देख लीजिए। और हमारे युवा भी ये इधर नहीं कहते हैं दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा करो, हमारी तो हम तो चले अमेरिका, और देखो ये बुड्ढा को देख लीजिए आप। तो इस बुड्ढे को जो आप देख रहे हैं ये इसने स्वीकार किया है। और इसमें जो है इसके गिरफ्तारी के बाद शहरी माओवादी एक्टिव हो गए हैं और इसके एवज में 15 नवंबर से 19 नवंबर तक जो है पूरा प्रदर्शन होगा पूरे देश में और 20 नवंबर को भारत बंद होगा कि क्यों आतंकवादी को पकड़ा, आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर को जो मारने जाना चाह रहा था उसको मारने देते, तुमने क्यों पकड़ा। और इसके ये बेशर्मी देखिए। और हमारे यहाँ कुछ लोग सिखाते हैं संदीप जी थोड़ा लैंग्वेज ठीक कर लेते, संदीप जी इनकी इनके स्तर पर मत उतरिए संदीप जी, ऐसे लोगों को कहूंगा मैं कि जाके दरवाजे बंद करके बैठ जाओ, तेरे ही बस में नहीं है लड़ना,
लड़ने के लिए सामदाम दंडवित सब अपनाने पड़ते हैं। इस बुड्ढे को देख लीजिए, फूक दोगे उड़ जाएगा, पर ये बुड्ढा अब इसको गिरफ्तारी के विरोध में 20 नवंबर को भारत बंद करेंगे। लाल आतंकवादी, लाल टिड्डे, लाल आतंकवादी। तो इसमें ये एक बड़ी खबर है, और इस बड़ी खबर में आपको झारखंड पुलिस ने जो ये बताया है कि ये बहुत बड़ा मास्टरमाइंड था, आतंकवादी था ये, इस पर आपको बता देता हूँ। झारखंड पुलिस ने प्रशांत बोस के अपराधों का काला चिट्ठा खोलते हुए बताया कि बोस पूर्वी सिंहभूम में सांसद सुनील महतो हत्याकांड, 2004 में गिरिडीह में गृह रक्षा वाहिनी का शस्त्रागार लूटने और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का भी मास्टरमाइंड है। सुन लीजिए ये बुड्ढा, सुनते जाइए कम्युनिस्ट कितने कट्टर होते हैं। आदमी नहीं समझ में आए, जिनको नहीं समझ में आए जाइए जी, सीधी सी बात। इसके अलावा सरांडा में 16 पुलिस कर्मियों की हत्या, बिहार के जहानाबाद का जेल ब्रेक, महाराष्ट्र का भीमा कोड़े गांव दंगे, और छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 1.5 दर्जन से अधिक जवानों के बलिदान के पीछे भी प्रशांत बोस उर्फ किसनदा उर्फ ये बुड्ढा है। समझ रहे हो, रिपोर्ट के अनुसार बोस की गिरफ्तारी सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए ऐतिहासिक है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट है ये बुड्ढा, और उस पर केवल झारखंड में ही 50 केस दर्ज। ये पूरी तरह से आपको ये समझना चाहिए, इसके पास से कई डिजिटल उपकरण भी मिले हैं, और ये जो है आपको पेन ड्राइव और एसडी कार्ड में नक्सलियों द्वारा अंजाम किए गए पूरे घटना का ब्लूप्रिंट भी मिला है। ये बड़ी खबर है, इस खबर को दबा दी गई है, इस खबर को आपको आगे बढ़ाना होगा। इनकी बेशर्मी ये कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको बचाने के लिए 20 नवंबर को भारत बंद किया जाएगा। इनकी बेशर्मी, खूनी, ये खूनी जो है अपने खून पर भी किस तरह से उत्सव मनाते हैं ये आप देखिए। और आप हिंदू धर्म के लोग भूल गए, रावण का दहन ही करते हैं, रावण के दहन का उत्सव ही दिखाते हैं, पुतला दहन करके जो उत्सव दिखाते हैं ओरिजिनल रावण के दहन का समय है, पर हिंदू धर्म के लोग